मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ स्थित है? मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा के सोनीपत में स्थित है। कालिदास जी ने किस भाषा में रचनाएं लिखी? कालिदास ने संस्कृत भाषा में रचनाएं लिखी। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर की किसने लंदन में हत्या की थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर की उधम सिंह ने हत्या की थी। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म चंद्रावल है। प्याज और लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? प्याज और लहसुन में गंध सल्फर नामक तत्व के कारण होती है। पृथ्वी पर दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। संसार में सबसे अधिक दूध का उत्पादन किस देश में होता है? संसार में सबसे अधिक दूध का उत्पादन भारत में होता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? पागल कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट को क्या कहते हैं? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट को कोरोमंडल कहते हैं। कोरोमंडल। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह जम्मू कश्मीर है। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? दलदली भूमि से मीथेन गैस निकलती है। मीथेन 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई? 1984 में भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से हुई। राज्यों के विलय की नीति किसने लागू की? राज्यों के विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू की। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? केसरी और मराठा अखबारों का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड केनिंग था। पोलियो का टीका किसने खोजा था? पोलियो का टीका जोनास साल्क ने खोजा था। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। संसार में सबसे अधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? संसार में सबसे अधिक पानी की मात्रा अमेज़न नदी की है। जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें खरीफ की फसल कहलाती हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस केस से है? योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध कुश्ती से है। स्वतंत्रता के बाद देश
रहेंगे। स्वतंत्रता के बाद देसी रियासतों के एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी थे। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। अब मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर बताती हूँ, आप ध्यान से सुनो। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा के सोनीपत शहर में है। कालिदास जी ने संस्कृत भाषा में रचनाएं लिखी। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले जनरल डायर की हत्या ऊधम सिंह ने लंदन में की। टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म चंद्रावल थी। प्याज लहसुन में गंध सल्फर तत्व के कारण होती है। पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। संसार में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला देश भारत है। पागल कुत्ते के काटने से रेबीज तथा हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा जम्मू कश्मीर राज्य के लेह में होती है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। दलदली भूमि में मीथेन गैस निकलती है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से हुई थी। स्वराज शब्द सबसे पहले महर्षि दयानंद ने प्रयोग किया। विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू की। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड केनिंग थे। पोलियो का टीका जोनास साल्क ने खोजा था। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। संसार में सबसे अधिक पानी की मात्रा अमेजन नदी में है। जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसल खरीफ की फसल कहलाती है। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग थे। स्वतंत्रता के बाद देसी रियासतों के एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी थे। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। अब आप सभी बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी पर लिख के लाना, मैं कल चेक करूंगी। अब आपकी छुट्टी का समय हो गया, आप अपने घर जा सकते हैं।